नमस्कार, सुहार ब्रेकिंग न्यूज चंद्रपुर में सभी दर्शकों का स्वागत। भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के 40वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव समारोह का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी विधि विधान से पूजा अर्चना शुभारंभ हुई। मुख्य पुजारी अनंत नारायण आचार्य के नेतृत्व में पूजा अर्चना शुरू हुई। मंदिर प्रबंधन समिति के टी राव, एम के राव, वीवी मूर्ति, सोनू समेत पूरी टीम मौजूद रही। खबर विस्तार से, बाबा वेंकटेश्वर के 40वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव समारोह का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी विधि विधान से बालाजी मंदिर से पूजा अर्चना शुरू हुई। हवन यज्ञ के साथ पंडित अनंत नारायण आचार्य के नेतृत्व में पूजन शुरू हुआ। पंडित अनंत नारायण आचार्य और मंदिर प्रबंधन समिति के एम के राव ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को गणेश मंदिर प्रतिमा और जय विजय प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित होगा। भगवान वेंकटेश्वर के 40वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव विधि विधान से हुआ सोमवार से हुआ है। साउथ से कुल 13 विद्वान पुजारी पहुंचे हैं। मुख्य पुजारी अनंत नारायण आचार्य के नेतृत्व में पूजा हो रहा है। इस वर्ष बालाजी मंदिर परिसर में नवनिर्मित बाबा गणेश जी की मंदिर और गणेश प्रतिमा जय विजय की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होगा। 11 मई को प्राण प्रतिष्ठा होगी। 8 मई 2023 से 15 मई 2023 तक भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के 40वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव समारोह विधि विधान से आज से शुभारंभ हो गया है। जगदलपुर के 5 मोड़ आंध्र एसोसिएशन बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के 40वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव समारोह 8 मई 2023 से 15 मई 2023 तक चलेगा। आज पूजन समारोह का तीसरा दिन है। 11 मई को गणेश मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बाबा गणेश और जय विजय की प्रतिमा का स्थापना भी होगा। अध्यक्ष के टी राव और सचिव डी बी आर मूर्ति ने बताया कि कार्यक्रम की निर्धारित तिथि पर ही सभी कार्यक्रम सम्पन्न होंगे। कल का पूजा का कितना बजे शुभारंभ होगा गुरु जी? भोजन स्टार्ट उदया 5 गंटक सुप्रभात तो स्टार्ट होता है। अच्छा, 6 गंटक 5:30 कार्यक्रम विश्वक्षेत्र पूज पुण्यवचन पंचाग्न प्रणयन अदन तरह स्वामीवारी बिंबस्थापन नवरत्न स्थापन धातु स्थापन यंत्रस्थापन ఇవన్నీ కూడా జరిగి తర్వాత బింబస్థాపన అవుతుంది। బింబస్థాపన అయిన తర్వాత స్వామివారికి విశేష హోమాలన్నీ కూడా చేసి విశేష హోమం పూర్తయిన తర్వాత మహాపూర్ణ అవుతు జరిగి తర్వాత అంటే కుంభాభిషేకం జరుగుతుంది। Yeah।